चंद्राय ओम नमो भगवते चंद्राय आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार दुर्गमे पथिमेंधस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपाजश्चिदानेन संथ संथवलं वयम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छा गोसाईर करी चरण वंदा जा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुण नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे निष्कर्ष से आए हुए सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करते हुए हमारे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से गौरांग सभा के द्वितीय दिवसीय प्रथम सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आपको ये गौरांग सभा कैसा लग रहा है? तो आज हम भक्तों के गुण के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इसलिए हम पहले विद्यार्थी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप कल महाराष्ट्री बता रहे थे कि आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, वैसे ये भी एक पाठशाला है। पता है इस पाठशाला का नाम क्या है? हम भक्ति के पाठशाला में हैं। जैसे कॉलेज में एक प्रिंसिपल होते हैं, गुरुजी होते हैं, तो यहाँ भी इस भक्ति के पाठशाला के भी गुरुजी हैं। आप सब उनको जानते हैं, बता सकते हैं आपको कोई? रौका जी हैं। लेकिन सबसे पहले इस भक्ति के पाठशाला के मुख्य प्रमुख आचार्य हैं श्री नारद मुनि। तो जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं, सपोज हम क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, तो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में कौन सबसे अच्छा किया है उनके बारे में हम सुनते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम उनके जैसा बने, उनके जैसा बने या उनसे ज्यादा बने। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि कोई क्रिकेट खेलता है तो वो सोचता है कि हम सचिन के जैसे बनेंगे, उनके जैसा हमें मतलब सम्मान मिले, हम उनके जैसा नाम कमाए। तो नारद मुनि के चार प्रमुख शिष्य हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं और जीवन के अंत तक हम विद्यार्थी ही रहेंगे, लेकिन हम भागवत के विद्यार्थी हैं। और नारद मुनि के चार प्रमुख शिष्य हैं, इनमें से दो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और तो बालक है। वैसे देखा जाए संपूर्ण भागवत में जितने भी भक्त चरित्र आए सभी नारद मुनि के शिष्य हैं, लेकिन उनमें से हम जो बहुत विशेष हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पहले वृद्ध के बारे में सुनिए, आप भी उनको जानते हैं। उनमें से पहले हैं वाल्मीकि महर्षि, नारद मुनि के शिष्य हैं, और दूसरे हैं व्यासदेव, और बच्चों में है ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। तो जैसे हम सोचते हैं ना, कोई अगर अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है तो हमारे मन में भी ये आता है, प्रश्न आता है कि वो इतना अच्छा मार्क कैसे लाया। जैसे अभी हम इस साल के जो आईएएस के जो टॉपर हुई हैं, वो एक माताजी हैं,
मैं देख रहा था वो आईएएस प्रिपरेशन के लिए अपने परिवार को छोड़े, अपने छोटा सा बच्चा था उसको भी छोड़ दिया। और सुबह 4 बजे वो उठती थी और दिन में दोपहर 2 बजे तक वो पढ़ाई करती थी आईएएस, और इस साल क्वालिफाई भी सबसे टॉपर में आई। तो हमें ये बात सुनने से क्या होता है कि हमारे मन में भी इच्छा होता है कि हमें अपने स्टडीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, थोड़ा ज्यादा हो। इसलिए हम भक्तों के चरित्र जब सुनते हैं तो हमारे मन में भी ये आशा बनता है कि हम कभी ये सुख पा सकते हैं क्या। तो इसीलिए हम भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। हमारे आचार्य लोग इतना कृपालु हैं कि वो अपने बात खुद बता के गए हैं कैसे वो इतने बड़े सुख के, इतने बड़े स्थिति के अधिकारी बने। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में नारद मुनि अपने सबसे जो बुजुर्ग शिष्य हैं भगवान व्यास को बताए हैं कि वो कैसे इस पद को हासिल किए। तो थोड़ा बहुत ध्यान देकर सुनिए। अगर मैं बहुत कम कोशिश करूंगा संस्कृत कम बोलने के लिए ताकि आपको आसानी हो, लेकिन अगर श्लोक को अच्छे से बोल देंगे तो लगभग 80% उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि भगवान व्यास को, व्यास देव जो अपने उनके ही शिष्य हैं, उनको अपना रहस्य खोल के बता रहे हैं। गुरु जी शिष्य के सामने अपना रहस्य खोल के बताते हैं कि शिष्य भी कभी उनके स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि व्यास जो है वो बड़े दुखी थे, बहुत टेंशन में थे और उनके अंदर में बेचैनी थी। इसलिए भगवान नारद मुनि कृपा करके उनको रहस्य बता रहे हैं कि मेरे अंदर क्या वो गुण थे जिसकी वजह से मैं साधुओं का कृपा पाया और भगवान मुझे कृपा करके दर्शन दिए। याद रखिए ये गुण इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसके अंदर ये गुण आ जाएंगे उसको तुरंत ही भगवान दर्शन देंगे। तो नारद मुनि बता रहे हैं, ते मये पिता अखिल चापल अर्भके दान्ते द्रुत क्रीडनिके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणि मुनयो अल्पभाषिणी। हर एक शब्द नारद मुनि अपना एक एक गुण के बारे में बता रहे हैं। ते मये पेता अखिल चापले अर्भके, हे भक्त व्यास आप सुनिए, मैं जब आचार्यों का, वैष्णव का, भक्तों का मुझे जो कृपा मिला तो मेरे अंदर क्या था ना, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनः। जो वैष्णव होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो सबके प्रति सम होते हैं। जैसे हम कहा करते हैं कि कॉलेज में जब या स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है तो वो सबके लिए पढ़ाता है, लेकिन जो फर्स्ट आता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर के जो सीक्रेट चीज है, जो रहस्य, वो उसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुरु है वो पक्षपाती, वो अच्छे स्टूडेंट्स को सिर्फ ध्यान देता है और जो अच्छे नहीं पढ़ते उनको, उनकी तरफ ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो रहस्य को समझ लेता है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा ये बोलते हैं, दिस कृष्ण कॉन्सियसनेस मूवमेंट इज ओनली मेंट फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। जो बहुत गंभीर है वो ये सुख को पा सकते हैं, लेकिन निराश मत होइए, यहाँ आने पर आपको जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। यहाँ खाली हाथ कोई नहीं जाता है, लेकिन हम महाप्रभु के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को भक्ति का यह सुख जरूर मिले। लेकिन नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं, कृपां यद्यपि तुल्य दर्शन, यद्यपि साधुओं का कृपा सबके प्रति सम होता है, लेकिन मुझ में क्या गुण था, ते मैं पेता अखिल चापले, यद्यपि मैं बहुत छोटा था लेकिन मैं नॉटी नहीं था, मैं दुष्ट नहीं था, चंचल नहीं था, अर्भके मुझे खेलने का कोई शौक नहीं था, मैं गंभीर था। और क्या था, शुश्रूषमाणि मुनयो, साधुओं के प्रति मुझे सेवा करने में बहुत रुचि था। मैं उनको हमेशा ये देखता था कि कब उन अवसर मिले कि मैं उनको सेवा करूंगा। ये श्लोक को बड़े गंभीरता से सुन लीजिए, क्योंकि आज हम जो विषय में श्रवण कर रहे हैं, भक्तों के गुणों के बारे में श्रवण करेंगे, ये पहला पाठ है। और
और दूसरा पार्ट ये है, अंत में हम सुनेंगे कि हम यह गुण कैसे हासिल करें। राइट नाउ, राइट हियर, अभी हम कैसे, हम ये इन गुणों का हम कैसे पाए। तो यह जो एक एक शब्द है बहुत मायने रखता है जब दूसरे पार्ट में हम आए। सुश्रुषमाणे मुनयो, हमारे अंदर जितने सारे बुराए हैं यहाँ एक एक शब्द के अंदर उसका सलूशन निकलेगा लास्ट में। सुश्रुषमाणे, हम हमेशा ढूंढते हैं, नारद मुनि ये बोल रहे हैं भगवान व्यास को कि हम ये अवसर हमेशा ढूंढते थे कि कब हमें मौका मिले कि हम साधु का सेवा करें। और मुनयो अल्पभाषिणी, हम ज्यादा बात नहीं करते, जितना जरूरत है उतना ही बोलते थे। पहले क्या बोले, हम दुष्ट स्वभाव के नहीं थे, ते अपेता अखिल चापले अर्पके, हम दुष्ट नहीं थे। दूसरे बोले सुश्रुषमाणे, हमें सेवा करने का मन में बहुत रुचि था। और तीसरा बोले अल्पभाषिणी, हम ज्यादा बात नहीं करते। दांते द्रुत क्रीडन के अनुवर्तिनी, दांते हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर वश था। इतना बड़ा गुण, ये सुनते ही तो हमारे मन में पूरा निराशा आ जाएगा, क्योंकि हम जो है, हम कैसे हैं, हम अपने आप, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, हम क्या है ये हम खुद जानते हैं। हमें कितना हमारा इंद्रिय संयम में है ये हम खुद जानते हैं। लेकिन नारद मुनि यह बता रहे हैं भगवान व्यास को कि मेरा इंद्रिय मेरे वश में था। और द्रुत क्रीडन के, आई हैव नो अटैचमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स, खेलने कूदने का मुझे कोई शौक नहीं था। और अनुवर्तनी, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यह श्लोक है, अनुवर्तनी, हमें अपने आचार्यों के चरणों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उनकी कृपा से एक ना एक दिन हमारे अंदर भी यह गुण आ जाएगा। और नारद मुनि यह बोल रहे हैं कि मुझे साधुओं के प्रति पूर्ण विश्वास था, इसीलिए मुझे उनकी कृपा मिला और भगवान का दर्शन भी बहुत ही कम समय में। कभी यह मत सोचिएगा कि हम जिस हालत में हैं, हमारे अंदर विकार है, इसलिए इस जगत में सब वैसे ही है। जैसे हमारे साधुओं के समाज में, विद्यार्थियों के जो भक्त बने, विद्यार्थी के समाज में एक कहावत है कि रात को जो जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ कैसा है, लेट नाइट स्टडीज, व्हाट्सएप में गर्लफ्रेंड के साथ बात करना, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन एंड इसको थे लेटेस्ट फैशन। आप लोग अगर ये सब कोई आता है इसको में तो बोलते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गर्लफ्रेंड, फ्रॉम दिस पीपल्स आर क्रेजी बाबा। तो एंजॉयमेंट का क्या है साधन आप लोगों का, आप लोग कैसे जीते हो। लोग पूछते हैं आपका शादी करने का मन नहीं किया, सभी कोई साधु को आजकल कोई देखता है। और कलयुग का भी इतना बड़ा कृपा है कि साधुओं का ऐसा चित्र समाज के आगे रख दिया कि किसी को वो देखते वो एक ही प्रश्न आता है, क्यों बाबा जी आपका शादी करने का मन नहीं हुआ। अरे साधुओं का बात छोड़ दीजिए, हम आपके सामने एक उत्कृष्ट मानव का चरित्र रख रहे हैं, उनका एग्जाम्पल। एक बार अब्दुल कलाम जी को पूछा गया, एक जर्नलिस्ट पूछे, सर आप शादी क्यों नहीं की, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने लैबोरेटरी में इतना व्यस्त था कि मुझे शादी करना है, मैं भूल गया। बहुत गंभीर बात है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए, कभी इस बात को हम गंभीरता से नहीं लिए, इसलिए अपने जीवन में ये गंभीर बात को उतार नहीं पा रहे। सोचिए कोई इंसान विद्या का सदुपयोग करके लैबोरेटरी में उसको इतना आनंद मिला, जीवन का इतना गंभीर विषय को वो भूल गया। और भक्ति में कितना बड़ा आनंद है, हम अगर सोचेंगे सोच नहीं पाएंगे, इतना आनंद है। देखते ना बाहर तो कोई शराबी लोग आता है इस्कॉन के कीर्तन में संध्या आरती, वो भी झूमने लगता है। झूमता क्यों है, कुछ आनंद उसको मिल रहा है। लोग बाहर के लोग बोलते हैं आपके इस्कॉन में संध्या आरती बहुत अच्छा है, उनको भी आनंद मिलता है। और हम भक्त हैं तो उनसे
ज्यादा आनंद हमें मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में तो हमारा जीवन ऐसा है, लेकिन अगर बेस में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। तकरीबन सभी बेस में, हम कल गिन रहे थे पीछे बैठ के, तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स हैं। बेस में क्या होता है, नियम होता है सुबह मंगला आरती उठना, जबकि उसी समय नींद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ बुरला में तो बोलते हैं, प्रभु जी आज हमारा तबीयत खराब है, तो जी थोड़ा सो गए। लेकिन बेस में तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सब मंगला उठते होंगे। मंगला में उस समय कड़क का नींद आता है, बहुत अच्छा नींद। और लोग सोचते हैं कि जो भक्त जाते हैं आपके पास, वो उनको मतलब जैसे एक डीमन की तरह सोचते हैं, आगे अभी उठाएगा। लेकिन सोचिए, क्या जो लोग मंगला उठते हैं उनका आपके जैसा मन नहीं है? उनका शरीर क्या विर्ण है? वो क्यों उठ रहे हैं? कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि उसे कुछ आनंद मिल रहा है, कुछ टेस्ट आ रहा है। हम मतलब सपोज गर्मी का मौसम है, हम एसी के रूम में अच्छे से मतलब बिस्तर ओढ़ के सो रहे हैं, और कोई भक्त उठ के मंगला आरती जा रहा है, और मंगला आरती में हम क्या गाते हैं? विभावरी से सालोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठा जीवा, बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण भय ग्रीवा। विभावरी से सालोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठा जीवा। हम भले ही स्वप्न में अपने गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं उस वक्त और बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उस वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो स्वप्न टूटते ही फीका लगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो हमारे पास नहीं है। या कोई भी स्वप्न हम देख रहे हैं, हम सोचते हैं हम बहुत बड़े बन गए, पियो कोका कोला जो चाहो हो जाए। हम मैनेजमेंट के, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जानते हैं ये कैसे ये सब आर्ट बनाते हैं। आज तक कोई कोका कोला पी के जो चाहता है उसको मिला है कभी? हम तो कभी नहीं देखे। फेयरली लवली लगा कि कोई काली लड़की गोरी बनी है आज तक, लेकिन हम इसको देखते हैं और तुरंत ही मार्केट में जाके, बिग बाजार जाके खरीद लेते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। लेकिन दूसरे तरफ, ये तो एक तरफ का सिचुएशन, ये हमारा सिचुएशन है, हम सबका सिचुएशन। लेकिन दूसरे तरफ जो भक्त मंगला आरती में जाते हैं, वो कृष्ण बलराम को देखता है। और सोचिए, जो भगवान है जिनका इस जगत में कोई काम नहीं है, वो उठ जाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, हमको कृपा करने के लिए वो उठते हैं। और कैसा अपना आकर्ण दीर्घ लोचन सुंदर मुखारविंद विस्तीर्ण वक्ष दिखाते हैं। आपको पता है मंगला में हमारे इस्कॉन के श्री विग्रह जो है, उनका सबसे अच्छा दर्शन मंगला में होता है। और भगवान का जो श्री विग्रह दर्शन में, करवेश में भी ये बात बोला था, यहाँ के जयदेव विहार के जो बेस है, भगवान का दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। भगवान के एक एक अंगों पर दृष्टि जब जाता है, ऐसा नहीं कि गए तुरंत प्रणाम किया और उठ के खड़े हो गए, खड़े होके भी गाते हैं तो बहुत आलसी की तरह, नहीं, भगवान को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, एक एक अंग पर दृष्टि देना चाहिए। आज कृष्ण बलराम कौन से कलर के वस्त्र पहने, कौन से रंग का वस्त्र पहने, कौन सा? गोल्डन तो बिल्कुल नहीं है उसमें, सिल्वर। बहुत ध्यान से देखना चाहिए, कैसे बांसुरी पकड़े हैं, कौन सा फूल हाथ में लिए हैं। ऐसा नहीं कि हम देख के आए, प्रभु जी हम दर्शन कर आए, पूछते हैं क्या पहने हैं, कैसे खड़े हैं, तो मालूम ही, एक ही कृष्ण बलराम है, लेकिन रोज अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, स्वयं वो डीटी नहीं है, विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आपको भी उनके साथ बातचीत करते, जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हैं, लड़की कोई सुंदर लड़की देखते हैं तो बात करने का मन करता है कि नहीं? उसके साथ हमारा भी उसका साथ फ्रेंडशिप हो जाए, मन करता है कि नहीं? तो आप कृष्ण बलराम के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं। ये सीक्रेट है, इसके लिए तो साधु संघ है, इसके लिए गौरांग सभा है, यही सीख के जाना है, ताकि जीवन भर इस आनंद को लूटना, और हमें ये सौभाग्य जरूर मिले। तो इसीलिए टेंशन मत होइए, जब आपके जो भक्त लोग जाते हैं सुबह मंगला उठाने के लिए, उनको थोड़ा
बुरा मत सोचिए, वो आपके बहुत बड़े आपके अच्छाई के लिए वो उठा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं लोग सोचते हैं वो आ गया अभी तो उठना पड़ेगा, कि पता नहीं अच्छा होगा वही कोई उज्जैन उज्जैन चला जाए तो कुछ दिन के लिए तो मुक्त है मंगला से। और प्रसादम में क्या है, रोज वही प्रसादम, कोई पानी पूरी होता, चाउमीन होता, गुपचुप होता, प्रभु जी टेस्टी प्रसाद हमारे यहाँ बोलते, प्रभु जी टेस्टी, रियली वेरी टेस्टी, क्योंकि कुछ अच्छा पकवान पकौड़ा बन जाए, रसगुल्ला बन जाए तो क्या बात है, उस दिन तो प्रभु जी हम प्रसाद में बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जब सिंपल सब्जी बनता है उस दिन थोड़ा देखिए कैसा मुंह होता है खाने के बाद, यही इसके लिए ही जीवन मिला है क्या, कुछ आनंद नहीं, बस पकड़ बाबा जी बन गए, इन लोगों का तो कोई काम नहीं है, बस हरे कृष्णा करते रहते हैं और आगे हमारे यहाँ कब ये छूटेगा और हम जाएंगे घर में और अच्छे से खाएंगे, तो ये सिचुएशन है। लेकिन इसमें जो है बहुत बड़ा आनंद है, भले ही हमारे पास गर्लफ्रेंड ना हो, भले ही मोबाइल हम आपके जैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा आनंद इससे मिल रहा है। हम इसको इसीलिए समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम एक गलत स्थिति में है, हमारा जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अगर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए तो आपको भी आनंद मिलेगा। अरे वो पागल नहीं है, वो इतना बड़ा नौकरी कर रहा था, उसको भी अच्छे सैलरी मिल रहे थे, उसका भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे, उसका भी परिवार बहुत खानदान था, वो पागल था क्या, वो छोड़ के आया है? श्रील प्रभुपाद जी क्या पागल थे? रूप सनातन पागल थे? आज हम सुनेंगे उन भक्तों का चरित्र, कितना बड़े, क्या ऐश्वर्य था, क्या भोग था उनका, कैसे वो जीवन बिताते थे, हम कभी सोच भी नहीं, क्योंकि आज हम इतने दुर्भाग्यवश जीवन बिता रहे हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर में आप विचार कीजिए, कोई गांव का लड़का है, वो गांव का एक दुकान में कुछ मिठाई खा रहा है, तो वो सोचता है कि ये सबसे अच्छा मिठाई है। लेकिन वो जब भुवनेश्वर में आएगा और जलराम स्वीट्स में जाएगा, एसी रूम एसी में बैठेगा और अच्छा सा रसमलाई खाएगा, सोचिए कभी, भक्ति वैसा ही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम गांव के जो अच्छा पकवान नहीं है उसको खा के खुश हो रहे, हमें लगता है यही खुशी है, यही जीवन है, शादी करना, बच्चे, घर, अच्छा नौकरी, अच्छा फ्लैट, अच्छा गाड़ी, यही सब सुख। लेकिन इससे ज्यादा भी कई कई अनगिनत सुख हमें मिल सकता है, इसी के लिए हम यहाँ आए, इसी के लिए ये भक्त का जीवन है। लोग सोचते हैं आप हर रोज एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं, वही तिलक कंठी सर में बाल नहीं, आपको अच्छा लगता है? जरूर अच्छा लगता है, इसीलिए तो यहाँ पे है। मैं हम आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपके जैसे एक देश में भक्त है वो बाद में मंदिर में परमानेंट ब्रह्मचारी बन गए, तो नया नया तो बहुत अच्छा लगता है। लोग सोचते हैं इस्कॉन में साधु बहुत अच्छा रहते हैं, क्या शान है भाई, क्या कपड़ा पहनते हैं, हमेशा वेरी बहुत सुंदर मुखा, मतलब दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और अच्छा खाते हैं, क्या प्रसाद, राजभोग, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो उनको अच्छा प्रसाद मिलता है, प्रसाद क्या क्या शान है, क्या सौरत है, बाप रे बाप, मंदिर में आने के बाद पता चलता है क्या अच्छा है। तो वो भी वैसे ही थे, हमारे जैसे थे, जो सोचते कि मंदिर में बहुत बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। इस्कॉन मीन्स मेनी कॉम्फर्ट्स आर देयर, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, तो वो मंदिर में आ गए, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको बहुत फीका फीका लगने लगा, हर रोज वही हरे कृष्णा, हर रोज वही संसार दावादन, हर रोज एक ही ठाकुर जी को देखना, हर रोज वही अपने गिने चुने 30-32 लोग हैं उनके बीच में रहना, थोड़े देर उनके बाद पता ही चल जाता है ये ऐसा है ये वैसा है, बिल्कुल तो कुछ अच्छा नहीं है, लाइफ इज सो बोरिंग यार, ऐसा ही बोले। तो वो फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे, जैसे हम भी देश में कभी कभी स्टूडेंट्स लोग रात में फिल्म देखते हैं, तो हमारे यहाँ जो वक्त जाते तो वो डांट भी लगाते कि नो फिल्म, कुछ आप समझ देंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो सब देखने का मना है। क्यों मना है अभी हम थोड़ी देर में सुनेंगे, क्या हानि होता है वो देखने में, तो उनका फिल्म देखने का बड़ा शौक था। तो आज तो बहुत हो गया, दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर, अभी तो मतलब तो सहन से बाहर हो गया, तो अभी फिल्म देखना जाना है, लेकिन क्या करे सर, कंठी और धोती
तो वो एक जीन्स, अच्छा सा जीन्स और एक टी शर्ट रखे थे, तो पहन लिए और एक नाइक में जाके एक अच्छा कैप खरीद लिए और कंटी को क्या है, कंटी को खोल के रख लिए। तो फिल्म देखने के लिए जा रहे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सोच रहे कि कैसे इसको हमको छोड़ के जाए हम। तो फिल्म हॉल के लिए गए, फिल्म हॉल में घुसे, बोले वाह क्या आनंद है, आज तो मतलब बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन जैसे एंट्री कर रहे वहां देख रहे कुछ भक्त चकित हो गए, अरे इनको बोलने के लिए मैं यहाँ आया, ये यहाँ भी आ टपके। भक्त लोग क्या कर रहे थे, गीता मैराथन था, गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे फिल्म हॉल, और भक्त यहाँ आए क्योंकि वो कोई चीज को बोलना चाह रहे थे थोड़ा देर के लिए। तो बड़े चुपके से क्या आपको इस तरह से किए और गए टिकट काउंटर तक, और वहां भी देखा एक भक्त खड़ा, वो भी बेच रहे भगवत गीता प्रोजेक्ट डिस्काउंट प्राइस भगवत गीता। तो उनको बहुत चिढ़ा गया, जिसको भूलने के लिए मैं यहाँ तक आया वो हर जगह में खड़ा है। तो बड़े चुपके से बहुत धीरे से तो फिल्म हॉल में घुसा, तो फिल्म हॉल में देखते हैं एक लोग टॉर्च, हमको तो मालूम है हम जब देखते थे ऐसा सिचुएशन था, आप तो बहुत कुछ कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन हम जब देखते थे हॉल में तो टॉर्च लेके खड़ा था, वो टिकट चेक करता था, फिर वो बोलता था इस तरफ जाइए, पता नहीं आज क्या है। तो जैसे घुसे तो वो टिकट जो चेक कर रहा था वहां पे भी एक भक्त खड़ा है, भगवत गीता डिस्काउंट प्राइस। बोला टू मच, मैं शायद गलत जगह में आ गया, इस ये संस्था में आना बहुत भयानक है, यहाँ से जाओगा तो सबको बोलना डोंट कम टू इस्कॉन, वेरी डेंजरियस प्लेस। तो अंदर गया तो फिल्म देखा, तो लगभग 3 घंटे का फिल्म होता है सर, तो एक इंटरवल होता है ना, इंटरवल तक तो बहुत खुश हो गया, वाह आज तो पूरा तो जो चाहता था वो मिल गया। लेकिन जैसे ही इंटरवल हुआ, पता नहीं उस दिन कोई भक्त कुछ दिए हैं पैसे और फिल्म हॉल के मालिक को, वहाँ प्रभुपाद जी का फूड फॉर लाइफ का एड आ गया, हरे कृष्ण प्रभुपाद जी का देखा। तो बोला नहीं इनको भूलने के लिए यहाँ आया, इधर भी आ गया इंटरवल में, लगता है बाकी भी मतलब चैन से बैठने लगे, इससे अच्छा कि मैं मंदिर में चला जाऊँ। तो तुरंत भक्त आ गया, वो बोला कि अब तो बहुत गलत जगह में आ गया, अब तो ये बात ये सब छोड़ेंगे नहीं, लगता है मेरे लिए ये सब अरेंजमेंट हुआ है। तो भक्त गए, लेकिन थोड़ी दिनों में जाके कृष्ण बलराम के सामने खड़े हुए, बोलते कि आप शायद लगता है आप मुझको छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि मैं आपको पकड़ लूँ। पर भगवान ने उनको वो क्या पकड़ेंगे, भगवान उनको बहुत अच्छे तरह से पकड़ लिया, और बहुत इस तरह के भी बहुत बड़े प्रीचर हैं, आप जैसे कई अनगिनत स्टूडेंट्स लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा सिचुएशन जो है वो अभी दूसरा है, इसीलिए हमको लगता है कि यह आनंद मिलना जरूरी है। भक्तों में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन भक्तों में बहुत टेस्ट है, बहुत आनंद है, बहुत इसमें बहुत बड़ा सुख है। तो नारद मुनि यह बता रहे हैं कि मेरे इस गुणों के वजह से मुझे साधुओं का कृपा मिला, मुझे भगवान की भक्ति में बहुत आनंद मिला और भगवान का दर्शन मिला। तो हम भी इन गुणों को याद रखिए, हम अंत में जब नेक्स्ट दूसरा पार्ट में जाएंगे हम कैसे ये गुण हासिल कर पाएंगे इस हालत में, इन प्रसंगों का हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे विषय में महाभारत के 4 विद्यार्थियों के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिनके बारे में कहे बिना विद्यार्थी का जीवन कभी पूर्ण नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है उनको यह चरित्र जरूर सुनना चाहिए, चाहे वो भक्त बने, चाहे वो विद्यार्थी बने, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, यह चरित्र इतना प्रेरणा देता है कि जीवन में कुछ करने का बहुत बड़ा सहाय बनता है। महाभारत के पौष्य पर्व में, महाभारत के शुरुआत में ही भगवान व्यास, महाभारत पंचम वेद कहा जाता है, महाभारत पौष्य पर्व का श्लोक नंबर 21 से ये 4 चरित्र शुरू होता है। और एक महान ऋषि थे, जैसे मैं आपको बताया कि नारद मुनि इस भक्ति के विद्यालय के प्रथम आचार्य बने, उनके बाद उनके शिष्य प्रशिष्य बने, और हम जिस विद्यार्थी हम जिस स्कूल के हैं हमारे गुरु जी हैं श्रील प्रभुपाद। वैसे एक आयुधम नाम के ऋषि हुए जिनके 4 प्रमुख शिष्य हैं, जिनका नाम सर्वोपरि है विद्यार्थियों में, उनका नाम आप
आप लोगों को भी एक दो नाम जरूर पता होगा, उनके सबसे पहले शिष्य बने उपमन्यु। उपमन्यु के बारे में किनको पता है, बड़ा हाथ उठाइए। उपमन्यु बहुत बड़े, यह है भारतवर्ष के विडंबना। अभी हम सचिन के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे एक भी नहीं बचेगा जो मालूम नहीं कि सचिन तेंदुलकर कौन थे। लेकिन सोचिए हमारा, हम किस स्थिति में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ बैठने से ही बहुत कुछ हमको मिल जाएगा। उनके पहले शिष्य थे उपधम्य के, पहले शिष्य थे उपमन्यु, दूसरे हैं आरुणी, तीसरे हैं पांचाल और चौथे हैं वेद। ये चारों शिष्यों में से उपमन्यु का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको पता होगा, नहीं तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। दो चरित्र जो आपको पता नहीं है, मैं ये दो चरित्र थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, फिर हम जो मेन टॉपिक है उसमें आएंगे। मुझे घड़ी चाहिए समय के लिए, घड़ी चाहिए। तो आयुधम्य के एक शिष्य है जिनका नाम है आरुणी, वो पांचाल्य देश के थे, और जब आए तो पहले जो गुरुकुल का नियम था, कोई शिष्य अगर आता था तो गुरुजी लोग पहले उसको पढ़ाते नहीं थे, पहले उसको क्या किया जाता था, उसको कुछ सेवा दिया जाता था, और उस सेवा से गुरुजी को पता चल जाता है कि यह जो शिष्य है उसको क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सामंजस्य है हमारे इस्कॉन में, हम जैसे ही इस्कॉन में आते हैं तो हमें सेवा दिया जाता है, हमें पता है रूम नंबर 3 था सामने वाला, जब हम जब पहली बार झाड़ू लगाए क्या हालत हुआ था हमारा, हमें पता है। इसलिए सेवा पहले सेवा दिया जाता है, और सेवा से गुरुजी देख हम लोग देखते हैं अच्छा इसका सेवा में रुचि नहीं, तो उसको कीर्तन में लगाते हैं या दूसरे संकीर्तन में भेजा जाता है, बहुत सारे सेवा है, तो डिफरेंट सेवा में भेजते हैं भक्त लोग, और देखते हैं कि कौन सा सेवा को ये पकड़ता है, और उसी हिसाब से वो भक्त अपना जीवन में आगे बढ़ता है भक्ति में। उस भक्ति में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है, बहुत सारे भक्ति के अंग है, और ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है हमें वो अच्छा लगे, क्योंकि भगवान हर एक भक्त के लिए कुछ अलग प्लान किए हैं। He's a supreme master planner. भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, I am the ultimate sanctioning authority. हम जो सोच रहे हैं वो होगा कि ना होगा ये तो मालूम नहीं, भगवान हमारे लिए जो सोचे वो जरूर होगा। क्योंकि भगवत गीता में हम देखते हैं अर्जुन बोलते हैं प्रभु ये तो श्याम सुंदर हम संन्यास ले लेंगे, हे कृष्ण मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोलते हैं अर्जुन आपको युद्ध करना है, और अर्जुन कितने बड़े विद्वत का परिचय दे, कितने बात भगवान को बोले, लेकिन अंत में वही हुआ जो कृष्ण चाहते, अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, और हमें भी वही करना है जो भगवान हमारे लिए सोचे। और हमें सौभाग्यवश हम भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिलाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं गौरांग सभा में बैठ के, चाहे मन कहीं भी हो लेकिन बैठ गए हैं, तो ट्रेन में बैठे हैं तो देर से ही लेकिन पहुंचेंगे जरूर उनके पास, किसी कोई जल्दी पहुंचेगा कोई देर में, लेकिन पहुंचेंगे उनके पास, क्योंकि टिकट भी कटवा लिए, बैठे भी हैं, और एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं है। अब बोले कैसे बोल रहे हैं ना, भागवत बोल रहे हैं, नौ कले यहाँ कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। भगवान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उनके वाणी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो आरुणी जो थे जब आए तो उनके खेती का काम गुरुजी सौंपे, और जब आए तो बारिश का जब मौसम है, जब खेती होता है तो मिट्टी का ढेरा लगाया जाता है खेती में ताकि पानी बहना जाए। तो एक बार क्या हुआ, जोर का बारिश हुआ और खेती जो ढेरा लगाया हुआ था वो टूट गया, इसीलिए सब पानी बह रहा था, साथ में जो पौधा था वो सब बह रहा था। तो उपधम्य आरुणी को बोले, बेटा तुम जाओ और खेती का सुरक्षा तुम्हारे ऊपर है। तो आरुणी जब आए बहुत कोशिश किए, लेकिन जितना भी प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए, जितना भी कोशिश कर रहे मिट्टी ला के वो खेती ढेरा लगाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में यह सोचे कि गुरुजी का ये जो सेवा है वो मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा करके वो सो गए खेती में, जहाँ पानी बह रहा था वहाँ सो गए।
सोने से क्या हुआ, पानी का बहना रुक गया, और कब तक सोए ना, पूरा रात भर। और उनका शरीर देखते ना, कभी कभी हम ज्यादा नहाते हैं तो हाथ और शरीर सब पूरा सफेद होने लगता है, नरम हो जाते हैं सफेद। तो आरुणि जो थे वो ठंडे से सिकुड़ रहे थे उनका शरीर। और जैसे ही सुबह हुआ तो कुदम में अपने शिष्य को बोले, आरुणि कहाँ पर है, पांचाल से आए हुए आरुणि कहाँ पर है। गुरु जी वो तो लौटे ही नहीं। तो खुद गुरु जी आरुणि को ढूंढने के लिए आए, और पुत्र आरुणि ऐसा पुकारते हुए आए। आरुणि सोते सोते हुए ही बोल रहे, गुरु जी मैं यहां हूं, मैं सोया हुआ हूं, आप दृष्टि नीचे डालिए। और जब उपधुम में देखे कि आरुणि का इतना बड़ा त्याग है, शरीर देके गुरु का सेवा किया, बहुत प्रसन्न हो गए हृदय से। कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी कृपा कीजिए, हम जाते हैं तो बाहर के लोग बोलते हैं कृपा कीजिए। हमारे आचार्य लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कृपा मांगना नहीं चाहिए, कृपा जो है वो आ जाता है। कल भी हम एक कृपा क्लास में बता रहे थे, कृपा जो है सेवा से आता है, जो सेवा करता है उसको कृपा मांगना नहीं पड़ता है। गुरु जी के हृदय से, वैष्णव के हृदय से कृपा तुरंत आता है। अच्छा कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा उसका व्यवहार, कितना अच्छा है, तो कृपा हो जाता है। हे भगवान महाप्रभु आप इसके ऊपर दया करो, ये भक्त बन जाए। तो हमें एक अनुभव है, हम कोई भी, क्योंकि हम इस्कॉन यूथ फोरम से अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किए हैं, हम कोई भी स्टूडेंट को देखते हैं तो तुरंत ही उसके लिए हृदय से ये भाव आता है प्रभु जी इसको भी भक्त बना लो। तो मुझे याद है एक बार हम गौर निकाय के पुजारी जब थे 21 दिन के लिए 2011 नवंबर 2 से नवंबर 26 तक पहली बार हम गौर निकाय की सेवा किए मंदिर में। जब हम आरती करते शयन आरती के वक्त एक लड़का आता था, वो बैंगलोर से था, कॉलेज का नाम तो याद नहीं आ रहा है। वो क्या होता है थोड़ा याद है, फैशन में जो चलते हैं ना, रैंप शो करता था, मतलब पढ़ाई भी करता था, अच्छा स्टूडेंट था, रैंप शो में भी चलता था। वो इतना उसका बाल लिखने तक था, वो आके गौर निताय के सामने खड़ा होता है। कोई गौर निताय के सामने खड़ा होता है तो मुझे बहुत खुशी, मतलब बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ हम, क्योंकि कोई बिरला होता है जो महाप्रभु को पहचानता है। कृष्ण को पहचाना तो अच्छा है, तो सबके लिए आसान है, लेकिन महाप्रभु को पहचाना कोई बिरला होता है तो उनके आगे खड़ा होता। तो हमें देखे बहुत प्रसन्न हुआ, हम तुरंत ही नित्यानंद प्रभु से बोले प्रभु इसको भक्त बना देंगे तो बहुत प्रचार करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे यहाँ। तो वो हर रोज महाप्रभु जो छोटे डिग्रीज है हमारे गौरव तक उनका गार्लैंड लेके जाता था। तो उसके बाद जब नवंबर 26 को मेरा सेवा खत्म हुआ, मैं बुरला कुछ दिन के लिए गया, तो उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद चंदन यात्रा शुरू होता है अक्षय तृतीया। हम यहाँ आए तो हम देखते हैं कि तो देखेंगे हम गलत तो नहीं देख रहे हैं। वो ब्रह्मचर्य था, न्यू डिवोटी रूम में था, वो जिसको हम सोच रहे वो न्यू डिवोटी में खड़ा है। और वो क्या किया, वो भी बहुत डीटी, मतलब वर्सी में उसका बहुत इंटरेस्ट था। वो एक अपने कृष्ण का विग्रह वो घर से लेके आया और उसका चंदन वेश किया। मतलब प्रभु जी आप थोड़ा देखिए हम कैसे श्रृंगार किए हैं, आप अच्छा कह देंगे तो हमें बड़ा खुशी हो। तो हम तो गए उसके, मतलब न्यू डिवोटी में तो हम कभी नहीं जाते, लेकिन पहली बार गए और देखे ठाकुर जी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर से सजाया था, बहुत सुंदर है। लेकिन उसको बार बार घूर घूर के देख रहा था, पूछने फिर पूछा आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं पूछा, बाद में पूछा, वो सब बता रहे क्या हर रोज शयन आरती में कुछ महीने पहले आते थे क्या। बोला हाँ प्रभु जी हम आते थे। तो हमें विश्वास हो गया कि हमारे गौर नेता ही सुनते हैं, हम जैसे कभी सुनते हैं तो आप सबका भी सुनेंगे। तो आप जरूर उनसे प्रे कीजिएगा, लास्ट में आप सुनेंगे आप कहाँ पे हैं, ये जगह का महत्व तो क्या है। क्योंकि महिमा सुने बिना हम कभी भी किसी भी चीज में इम्पोर्टेंस हमको मालूम नहीं होगा, हमें पता नहीं हो कि हम किस जगह में बैठे हैं और हमें क्या मिलने वाला है। तो यह आरुणि की सेवा में धूम में ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और वर्ष
हम आपके ऊपर प्रसन्न है, सारे वैदिक ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित हो जाए तुरंत ही। और जैसे ही गुरु जी ने कृपा यह वचन बोला, तुरंत ही आरुणि समस्त वैदिक ज्ञान के धरोहर के रूप में इस पवित्र आध्यात्मिक संस्था के दूसरे गुरु बने। जो सेवा अच्छा से सेवा करता है, जो अच्छा से सुनता है, वही बाद में गुरु बनता है, वही वक्ता बनता है। तो दूसरे हैं वेद। वेद का चरित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्कॉन में हमारा हालत भी वेद के जैसा है। वेद जब गुरुकुल में गए तो गुरु जी धौम्य ऋषि बोले कि वेद, क्योंकि वेद थोड़ा स्वस्थ थे शरीर थोड़ा, क्योंकि जो लोग थोड़ा स्वस्थ है उनको भी थोड़ा सेवा भी स्वस्थ किस्म का भी दिया जाता, तो वेद थोड़ा स्वस्थ थे। तो गुरु जी जितना भी भार ढोने वाला चीज है जितना उनको देते थे वेद को, लेकिन वेद इतने उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी भी गुरु जी को ये नहीं बोले कि गुरु जी हमसे नहीं हो। कभी कभी होता है ना, तो कभी कभी रूम क्लीनिंग टेम्पल बस की सफाई होता है या बर्तन मांजने का सफाई होता है, तो प्रभु जी पेट में बड़ा दर्द है, सर में दर्द है, प्रभु जी कल एग्जाम है और प्रसादम में है, तो क्या कहना, प्रभु जी हम ये सेवा करना चाहिए। क्योंकि जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लास्ट में जितना रसगुल्ला जितना पकौड़ा सब अपना ही है, तो ये सेवा में तो बहुत आनंद मिलता है। लेकिन लेकिन वेद जो है वो कभी गुरु जी को ये नहीं बोले कि गुरु जी हमारे द्वारा ये सेवा नहीं हो, बहुत विनम्र भाव से सेवा की। और धौम्य ऋषि देख रहे थे कि वेद कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला। इसीलिए जब समय हो गया गुरु जी ने उनको बुलाया कि वेद हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपको कोई भी और एग्जाम नहीं देना है, बस हो गया। इसलिए कभी हम इस कॉल में कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या है हम कभी प्रीचर बनेंगे या नहीं, या हर रोज ऐसा ही सेवा बर्तन मांजना, हम भी वक्ता बनना चाहते हैं गुरु तो टैलेंट थोड़ा, हम भी लोग कहेंगे प्रभु जी बहुत बड़ा भक्त है प्रीचर क्लास देना चाहिए। इसमें जो कि आज तक इस पवित्र परंपरा में इसको में छोड़िए कोई भी भक्त को कुछ मिला है तो सेवा से मिला, सेवा जिसका अनुभव नहीं, चाहे वो कितना भी रट ले कितना भी पढ़ ले लेकिन उसका वाणी कभी उसका साथ नहीं देता। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, प्रह्लाद महाराज बोल रहे हैं जो बिना सेवा के, जो बिना सत्यता के, जो बिना जिसके अंदर सच्चाई नहीं है उसका भक्ति उसका कभी साथ नहीं देता। इसीलिए ये मत सोचिए कि ये दिस इज अ वेरी चीप थिंग, हम जो है कोई सेवा नहीं करेंगे बस क्या है तुरंत दूसरे दिन आसन में बैठ जाए। लेकिन जो आसन में बैठा है उसको पूछो कितना रगड़ लगाया है, जन्म को यह रगड़ हमारी वरन संभु यरहौं कुंवारी। सती बोल रहे हैं, नारद मुनि जाके बोले हैं कि सती आप आशा छोड़ दीजिए, भगवान शिव आपको कभी नहीं मिलेंगे, आप कभी उनको पति के रूप में आपको नहीं मिल सकते हैं। लेकिन श्री सती जो थी वो बहुत एक अच्छी बात जो हम जैसे साधक के लिए बहुत प्रेरणादायक है, जन्म को यह रगड़ हमारी, चाहे इस जन्म जन्म में मिले यहाँ कोटि जन्म लगे हमको लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़े, जन्म कोटि यह रगड़ हमारे, क्या रगड़ है क्या आपका हट है, न वरण हो शंभु या रहो कुमार, हम पति के रूप में शिव जी को चाहते हैं या वरण हम कुमारी रह जाए। वैसे हमें भक्ति, हमें कृष्ण को पाना है, हमें गुरु वैष्णव का सेवा चाहिए, इसके लिए जो चाहे जो करना पड़े हम अपने सुख को सैक्रिफाइस करने के लिए प्रस्तुत हैं, हम जरूर करेंगे, प्रस्तुत हैं हम। यह संकल्प लेके हमें यहाँ आना है तब जाके देखेंगे क्या सुख मिलता है। अगर कल आपको लेबोरेटरी में सुख मिलेगा क्या मंदिर में आपको सुख नहीं मिलेगा? प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं वर्त में वैकुंठ बना के गया हूँ, हमारे जो इस्कॉन केंद्र है वो वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब समझते हैं ना जहाँ पे कुछ कुंठा नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन हम इतने दुर्भाग्य है हमारा कि हम यहाँ आके भी हमें लगता है कि हम जेल में आ गए, कोई दुख दिया जा रहा है, नहीं हम सही तरीके से सही चीज को नहीं समझे हैं, नहीं कर रहे, इसीलिए हमें यह स्थिति मिल रहा है।
तो भगवान के भक्तों के जो गुण हैं, थोड़ा श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। यह प्रसंग जो है श्रीमन महाप्रभु के दो प्रमुख शिष्य हैं, एक है रूप और एक है सनातन। लेकिन सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बहुत विस्तार से ये चीजों को समझाया कि कैसे ये सुख हमको मिलेगा। अभी हम भगवान के भक्तों के गुणों के बारे में श्रवण करेंगे। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यह बोल रहे, सनातन गोस्वामी प्रश्न करते जा रहे हैं, महाप्रभु एक एक उत्तर देते जा रहे हैं। तो भक्तों के बारे में जब सनातन गोस्वामी ने पूछा तो महाप्रभु बोलते हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव सारी रे, सर्व महागुण गण वैष्णव सारी रे, कृष्ण भक्ते कृष्णर गुण सकाळी संचारे, कृष्ण भक्ते कृष्णर गुण सकाळी संचारे। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि भगवान के भक्तों के कितने गुण हैं ये मैं नहीं बता सकता। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान के भक्तों का कितना गुण है सनातन में ये आपको नहीं बता सकता। महाप्रभु ये जो 26 क्वालिटीज अभी हम सुनेंगे ये कुछ गुण है, लेकिन वैष्णव के शरीर में अनगिनत गुण होते। तो महाप्रभु पहले बोल रहे हैं सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर, जितने भी महान गुण है, जितने भी अच्छे गुण है वो वैष्णव भक्तों के शरीर में रहता है। कृष्ण भक्ते कृष्णर गुण सकली संचार, भगवान के जो भक्त बनते हैं भगवान के सारे गुण थोड़ा थोड़ा करके उनमें आ जाते हैं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। तो हमें ध्यान में यह रखना है कि हम भगवान के भक्त हैं, जो लोग हम भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, रोज मंगला आरती आते हैं, जप करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने इसी प्यार के ऊपर जब क्लास दिए हैं तो बोलते हैं कि भक्तों को ये 26 क्वालिटीज अपने बेड के ऊपर लगा लेना चाहिए। हमारे इस्कॉन में एक आचार्य हैं श्री श्रीमद सुबोध स्वामी महाराज, वो बोलते हैं हर रोज रात को सोने से पहले ये देखना चाहिए क्या हमने ये गुण आ रहा है, इसीलिए तो भक्त बने हैं। तो ये क्या फायदा होगा कि हमें दैन्यता आएगा, हम भगवान कृष्ण बलराम के सामने जाएंगे, गौरीता के सामने जाएंगे या जगन्नाथ जी के सामने जाएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। यह नहीं कि हम तिलक लगा लिए, जप करें, हम बहुत बड़े भक्त बन गए, नाउ वी आर डिवोटीज, हम भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। लेकिन सुनिए भक्त क्या है, मतलब हम बताते हैं कभी कभी क्लास में, सूर्य उदय देखे हैं कभी, सनराइज होते हैं देखे हैं, कौन कौन देखे? आजकल तो ये मुश्किल है स्टूडेंट्स को पूछना। अच्छा एक बात बताते, जो लोग स्टूडेंट है, जो लोग कितना लोग मंगला उठते हैं, हाथ उठाइए, कभी कभी तो मिस होता होगा लेकिन कितना लोग मंगला उठते हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य है, हम हर रोज हर जगह पे यह बोलते हैं जो लोग मंगला नहीं उठते हैं वो कभी अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे ये भूल जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो सकल ज्ञान के आधार है। आप देखे होंगे सूर्य जब उदय होते हैं जो जानवर होते हैं वो भी उनका स्वागत करते हैं, हम तो इंसान है, वही भक्त है, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम इंसान है पहले, पशु तो नहीं है। इसलिए पहला कर्तव्य इंसान का यह बनता है वो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको ऑर्डर देने के लिए तो नहीं है लेकिन हम करवत यह प्रार्थना है कि आपको सुबह उठना चाहिए ताकि आप अपना जीवन, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपने जीवन में कितना बदलाव आएगा। थोड़ा गंभीरता से इस बात को समझिए, बहुत जल्दी ये सुख आपको मिलेगा। मंगला में सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, जो लोग सूर्य उदय होने से पहले से उठते हैं
वो निरोग रहते हैं। कितना डिजीज होता है, देखिए आजकल इतना समस्या है कि स्टूडेंट हम पढ़ाई करें लेकिन बाल पक गया है, हमें चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन हम अपने महाराज श्री को देखें 60 साल के बाद उनका चश्मा का जरूरत हुआ, क्यों? कभी मंगला मिस नहीं होते। हमारे इस पर में एक आचार्य हैं, भक्त के गुणों के बारे में बोलते हुए हम अपने संप्रदाय में इस पवित्र परंपरा में श्री प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में भी बताते जाएंगे, क्योंकि उनको देख के हमें भक्ति भक्त बने हैं और उनकी कृपा से हम कभी भगवान को पाएंगे। सबकी कृपा सबे मिली कृपा करी परम करुणा अधम पतित जन ना परिह घृणा, हमें सबकी कृपा चाहिए तब जाके हम भक्त बनेंगे। इसीलिए जो मंगलाचरण में हम पहला श्लोक गा रहे हैं श्री गुरु हो, ये बहुवचन है, प्लुरल फॉर्म, गुरु हो शब्द एक वचन नहीं है, सिंगुलर नहीं, वो प्लुरल है। इसीलिए गुरु जो है, गुरु सब हम बहुत लोगों से कुछ कुछ सीखना चाहिए। हमारे इस्कॉन में एक आचार्य है परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी, अपने जीवन में कभी मंगला मिस नहीं करते, कोई भी मंदिर में जाते हैं तो सुबह मंगला आरती करते हैं। अपने इस संप्रदाय के इतने बड़े बड़े आदर्श हैं जिनको देख के सिर झुक जाता है। हम सोचिए कितने बड़े पवित्र परंपरा में है, कितना बड़ा आदर्श है इस संप्रदाय, लेकिन हमें दोष दिखाई देता है, यह दुर्भाग्य है हमारा, इसीलिए तो भक्ति को समझ नहीं पा रहे। तो महाप्रभु बोलते हैं हाँ सुबह जरूर उठना चाहिए। सुबह उठने से क्या होता है, हम निरोग रहते हैं और बुद्धि विकसित होता है, इंटेलिजेंट जो बुद्धि है वो धीरे धीरे, देखते ना कोई भक्त बन जाते वो इतना चालाक होता है कि पहले उसका स्टैंडर्ड देखिए। हम अपने जीवन में देखें, हमारा सबसे ज्यादा स्कोर्स MBA में रहा पूरा कैरियर में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें हम इस कॉल में थे और हम उसमें कम पढ़ाई करते थे क्योंकि यहाँ भी टाइम देते थे, लेकिन स्कोर ज्यादा रहता, ज्यादा रहा हमारा। अपना जीवन का यह अनुभव है भक्तिस्तु प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत में, भक्ति जो है प्रत्यक्ष अवगमनम धर्मम कर्तुम सुसुखम अव्ययम, डायरेक्ट अब तुरंत हम बोलेंगे कि आप भगवान का भजन करेंगे तो आपको कामादि विकार नहीं आएगा, आप जो विकार है विकार से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात सुन के बहुत, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? यही तो सबसे बड़ा मेन टेंशन तो यही है हम सब का, विकार हमको भक्ति में बाधा दे रहा है। प्रभु जी दिस इज सो नाइस, बट इट्स नाइस टू हियर, बट प्रैक्टिकली इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट एन इजी टेक, इंस्टेंट फूड की तरह नहीं है, क्योंकि कलयुग के जो हम है हम सबको हमको इंस्टेंट चाहिए हर चीज, लेकिन इंस्टेंट कुछ चीज नहीं मिलता, कुछ वक्त चाहिए, कुछ समय चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में जो है वो बहुत दुख देता है। सपोज आपको कार चाहिए तो आपको एक एक पैसा सेविंग करना पड़ेगा, तो कितना टेंशन है। दूसरे को देखें कोई अच्छा कार खरीद ले तो टेंशन हो जाते, भाई मेरा भी ऐसा होता है, तो इंतजार करने में भी टेंशन है। लेकिन वक्ति में क्या है, वो इंतजार में भी बहुत सुख मिलता है, इंतजार में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि क्या है, भगवान जो है सच्चिद आनंदमय है, भगवान आनंदमय है, इसलिए भगवान के साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो हमें आनंद मिलता है। देखते हैं ना भक्त लोग कितना खुश में रहते हैं, जब भी देखते हो ब्रह्मचर्य ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। तो आपका भी मन करता है कि नहीं कि हम भी खुश में रहे, एग्जाम का टेंशन है, गर्लफ्रेंड का टेंशन है, नौकरी का टेंशन है, घर में किचकिच, इन सब टेंशन से मुक्त होना है तो भक्ति जरूर करना है। और आपको 100% गारंटी है, ये गवर्नमेंट तो IAS ही देता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ये विश्वास देते हैं कि आपको जरूर आनंद मिलेगा, और यह अपना जीवन का अनुभव भी है, आप सबको मिलेगा। तो महाप्रभु बताते हैं सर्व महा गुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त गुण सकड़ी संचार, भगवान के जितने सारे गुण हैं वो सारे भक्तों में आ जाता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम जिस प्रभु को उपास्य माने हैं, आराध्य माने हैं, उनका गुण हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, और ये आता भी है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं सही सब गुण भय वैष्णव लक्षण सब कहना जाए परि एक तरह से। सनातन में आपको पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ गुणों का वर्णन अभी आप करेंगे, थोड़ा
लगाइए 26 क्वालिटी है। तो बोलते हैं, मैं बंगला में बोलता हूँ, महाप्रभु का अपना शब्द पहले बोलता हूँ, फिर बाद में एक एक पॉइंट को हम चर्चा करेंगे। कृपाणु अकृत देहो सत्य सार सम निर्दोष वदान्य मृदु सुचि अकिंच सर्व सर्व प्रकारक सर्व उपकारक शांत कृष्ण का शरण अकाम निरीह स्थिर विजित सर्वगुण मित अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मुनि मौन। यह 26 गुण भक्तों में है, तो एक एक करके हम हर एक गुणों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हमें जाना है, तो एक एक बारे में थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एसेंसी एक एक पॉइंट का एसेंस बोल के जाऊंगा। तो पहला जो गुण है महाप्रभु बता रहे हैं, कृपालु इज काइंड टू एवरीवन। वो जैसे मैं पहला कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि गुरु जो है वो सबके लिए पढ़ाता है, इसीलिए साधु जो हुए है वो सबके प्रति सम होता है। समह सर्वेशु भूतेशु, भगवान सम होते हैं और साधु सम होता है। तो कभी कभी देखते हैं ना, गुरु जी का कोई प्रिय होता है, प्रभुपाद जी के कुछ प्रिय शिष्यों में ऐसे भी है, हम ऐसे सुनते हैं परंपरा में, क्यों प्रिय है? उत्तर भी हम दे चुके हैं, क्योंकि वो सेवा करके गुरु जी को प्रसन्न कर लिए हैं। जो अच्छा स्टूडेंट है वो गुरु का जो रहस्य है वो पकड़ लिया, इसीलिए गुरु का हृदय, जैसे माँ जो है वो बच्चे को, हर बच्चा उसके लिए प्यारा होता है, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है उसके लिए विशेष नहीं रहता। ठीक उसी तरह से वैष्णव सबके प्रति करुण है, वो पक्षपाती नहीं, इज काइंड टू एवरीवन। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ भक्तों का चरित्र भी इसके बीच में कहते जा रहा हूँ। काइंड टू एवरीवन में हम प्रभुपाद के जीवन के ऊपर अगर देखेंगे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि हम मोबाइल की स्विच दबाए तो भारतवर्ष के जितने भी भक्त हैं, कोई भी परंपरा के, उनका चरित्र हमें मिल सकता है। देखिए नहीं, कोई भी भक्त हो, कोई भी संप्रदाय के, उनका चरित्र मिल सकता है। लेकिन इन सारे चरित्र को पढ़ने के बाद ये बात मन में आता है कि इनमें से कोई भी विदेशी लोगों के प्रति कृपा करेगा, ये भाव उनके अंदर नहीं था। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्तित्व है जो सारे विश्व को एक मानते थे, क्योंकि ये भक्त का एक गुण है, आएगा 16वां 17वां पॉइंट में। प्रभुपाद जी का ये विशेष अवदान है जो सारे विश्व को भगवान का भक्ति दिए, इसीलिए ही काइंड टू एवरीवन। श्रील प्रभुपाद हम हमारे इस कॉल में एक बात कहते हैं, प्रभुपाद मेक ए हाउस फॉर होल वर्ल्ड एंड पीस फॉर होल whole world can live peacefully। कभी सोचे हम अपने घर में अपने भाई के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे, हमारा झगड़ा हो जाता है, और यहाँ कितने घर से बच्चे आए हैं, कितने देशों से आए हैं, कितना डिफरेंट संस्कार से, कितना हमारे आचार व्यवहार में कितना भिन्नता है, लेकिन सब इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। प्रभुपाद जी का इतना बड़ा है कि प्रभुपाद जी जो अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स को एक ही मंच पर रचा दी, ये जो संभव है, जो जैसे मतलब बाघ शेर से कम नहीं थे, एक ही मंच पर श्री प्रभुपाद ने उनको नचा दिया। तो सोचिए कितना बड़ा गुण है प्रभुपाद जी का। तो पहले हम सुने कृपालु, एक बार आप भी बोलिए, भक्त का पहला गुण है कृपालु, इज काइंड टू एवरीवन। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गौरांग सभा है, ये सभा को कभी साधारण मत समझे, हम भक्तों के बीच हैं, भक्तों के बीच में हमें भगवान के भक्तों का गुण कहने सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और अगर हम यह गुण कभी कहेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे तो हमारे अंदर भी यह गुण आएगा, इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमको ये मौका दिया। तो पहला गुण है कृपालु, दूसरा गुण है अकृद्रोह, डजंट क्वारल विद एनीवन, वो कभी किसके साथ झगड़ा नहीं करता है। कितना बड़ा गुण है, आज तो बात बात पर जो लोग मंदिर में परमानेंट रहते हैं उनको ये अनुभव बहुत होता है, एक एक बात पर तुरंत हम पूरा तैयार हो जाते हैं अर्जुन की तरह रथ के ऊपर बैठकर, नहीं हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर एक भक्तों का चरित्र आता है, भक्तों को क्या हम सोचे, भगवान कभी कोई भक्त को टेस्ट लेते हैं,
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं स्वयं जो करुणा के अवतार है, हमारे गौर गोविंद महाराज बोलते हैं जिनके अलावा इस जगत में कोई करुणा नहीं कर सकता है, वो है नित्यानंद प्रभु। लेकिन वो इतना कड़ा टेस्ट लिए, इतना एग्जाम इतना टफ था, उनका टेस्ट इतना टफ था कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भक्त भी बहुत दमदार भक्त है, इसलिए कोई अच्छा कोई फेल होने वाला स्टूडेंट तो उसको ग्रेस मार्क देके गवर्नमेंट, कोई वेस्टर्न तो एक एक पॉइंट में उसका नोट चेक किया जाता है, एक एक बात पर टेस्ट। तो भक्त अच्छे और टेस्ट एग्जाम भी अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम ली। शिवानंद सेन जब भक्तों को लेके पूरी आ रहे थे तो व्यवस्था में थोड़ा देर हो गया, तो नित्यानंद प्रभु तुरंत ही साफ थे कि शिवाय का, मैं बांग्ला नहीं बोलता, शिवाय का जो तीन पुत्र है वो सारे पुत्र मर जाए और शिवाय का जो पत्नी है वो विधवा हो। ये कृपा है क्या दंड? अरे कौन बोल रहा है? जो कृपा के सागर है वो बोल रहे हैं। और ये बात सुन के शिवानंद सेन की जो पत्नी वो रोने लगी, और जैसे ही शिवानंद सेन आए, इतना ही बात इतने पर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ साफ नहीं दिए, उसके बाद जब क्या किए, शिवानंद सेन जब आए नित्यानंद प्रभु उठे अपने आसन से, मदमत्त नेता है, नित्यानंद प्रभु को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, कि एक सिर्फ महाप्रभु है जो नित्यानंद प्रभु कंट्रोल कर सकते हैं। उठे नित्यानंद प्रभु, तुरंत लात लगाए शिवानंद सेन के छाती के ऊपर। लेकिन शिवानंद सेन जो है वो उनका विकार हो गया, शरीर में रोमांचित हो गए, गदगद हो गए, वाणी पुलकित हो गया, और शिवानंद सेन की पत्नी सोच रहे साजी पगला गए। अरे आप सुनिए सुनिए, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, वो साफ दिए हैं कि आपकी तीन बेटा मर जाएगा और आप भी मर जाएंगे। शिवानंद सेन बोलते बगली तुमको पता नहीं है, नितायर करुणाटा अमर, हमारे गौड़ी संप्रदाय में एक बात बोलते हैं बांग्ला में, नितायर करुणाटा हाथी नय, नितायर करुणाटा पादी। नित्यानंद प्रभु जब किसी प्रति कृपा करते हैं तो हम जैसे बोलते हैं आपका मंगल हो, स्वस्ति भव। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, वो किसी के आशीर्वाद नहीं देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, क्या दे के, अपने चरण कमल दे देते हैं। अरे कोई पैर छूता है तो हम प्रभु जी प्लीज हम खुश है आपसे, प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि हमारा भय है कृपा जाएगा, कोई प्रणाम करता है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे दाता नहीं है, परम करुण पहुंचुई जाना निताय गौर चंद्र, परम करुण सब अवतार सारसी रमणी केवल आनंद कंद, भाई केवल आनंद कंद, भाई केवल देखो रे भाई त्रिभुवने नाय एमन दयाल दाता, देखो रे भाई पशु पक्षी झुए पाषाण भीतरे सुनी तार गुण गाथा, पशु पक्षी झुए भाई सुनी जार गुण गाथा, भाई महाप्रभु की दया हम क्या बताएं? आज तक कभी ऐसा ना सुना गया है कोई भी भगवान के अवतार में भगवान स्वयं कभी अपने आप को बेचे नहीं, लेकिन महाप्रभु ऐसे हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं। नित्यानंद प्रभु जब कभी किसी को जाते बोलते कि आप कभी हरे कृष्ण बोलो, कभी कृष्ण बोलो, तो मना करता है, तो बोलते हैं भाई मैं आपके घर में नौकर बनता हूँ, आपका जितना भी काम है मैं करता हूँ, लेकिन आप एक बार कृष्ण बोलो। इतनी दया का कभी सुना है?
लेकिन दुर्भाग्य अपना है कि हम उनको अपना नहीं। यह जीव का विडंबना है। हम भगवान कभी किसी का कोई बुरा होता है तो तुरंत ही भगवान को गाली देना हम चालू करते, भगवान ने हमारे पर ये किया, लेकिन कभी हम उनके करुणा पर बात नहीं सुने, भगवान को नहीं जाने हैं, इसीलिए हम अज्ञान में दुख पा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा है, महाप्रभु का ये विशेष दान है। कलयुग में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो, किसी भी देश का हो, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है और ये सुख को लूट सकता है। पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे सुनी जा रुणा। यह झारखंड का जंगल है जहाँ महाप्रभु के कीर्तन में बाघ और हरिण गले मिलके कीर्तन किए, हरे कृष्ण बोले। और हम बाघ सिंह से थोड़े ना कम है। श्रील प्रभुपाद जी की दया से हम लोग महाप्रभु के बारे में मालूम पड़ा, तभी तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया, तभी कुछ 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 आनंद मिल रहा है और आपको भी मिलेगा, मिल रहा है और मिलेगा। तो डज नॉट क्वारल विद एनी वन। तीसरा गुण है सत्य साथ, इज फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। भगवान का भक्त जो है वो बहुत दृढ़ रहता है, वो ऐसा नहीं है, जितने भी नियम है जो वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, वो नियम है बहुत दृढ़ रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि भक्त बनाए कभी जाके बाहर में होटल में देखता है तो बहुत दिन हुए पकौड़ा नहीं मिला है तो तुरंत चाट गुपचुप पिज्जा हॉट पिज्जा, ऐसा नहीं। भगवान का जो भक्त है वह बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान का भक्त को क्या मिलता है, हम स्वर हर लोग सुबह गाते चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघा कृत्तैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंद। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमके वो हमको भगवान के प्रसाद देते हैं और जिसको खा के हमारा मन और इंद्रिय शुद्ध होता है और तृप्त हो जाता है, दूसरा चीज खाने का मन नहीं करता है। तो चौथा है सम, फर्स्ट है काइंड टू एवरीवन, चौथा है इक्वल टू एवरीवन, वो सबके लिए सम होता है, उसका करुणा जो है कृपा जो है वो सबके प्रति सम रहता है। पांचवा है निर्दोष, उसका कोई दोष नहीं रहता है। कभी कभी हम दोष देखते हैं भक्तों के, लेकिन भक्त निर्दोष रहते हैं। एक बार भगवान अपने दोनों को भेजे, एक थे दुर्योधन और एक थे युधिष्ठिर महाराज, दोनों को भेजे कि दुर्योधन को बोले कि संसार में सबसे अच्छे कौन है आप ढूंढ के बता के आओ, और युधिष्ठिर महाराज को बोले कि सब संसार में सबसे खराब इंसान कौन है आप बता के आओ, पता लगा। युधिष्ठिर महाराज बोले कि हमें मुझसे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई दिखाई नहीं, मैं सबसे बुरा। और युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन बोले, हाँ हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो हम बिल्कुल, आप सोचिए और हम भी सोच रहे हैं कि हम कौन से कैटेगरी में हैं। तो भक्त जो है वो फॉल्टलेस है। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी को भी बोलते हैं कि स्वामी महाराज ने यह क्यों किया, क्योंकि पहले हम बहुत खुले इंसान हैं, थोड़ा बोल देते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग सुनेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा। कभी कभी दूसरे हमारे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले जो था स्टैंडर्ड ये था कि 64 माला जप करना पड़ता था, कोई विरक्त बनता था भक्त बनता था तो उसको 64 माला जप करना पड़ता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इसको कितना किया, 16 माला करने के लिए हमें क्या कितना संघर्ष करना पड़ता है सुबह सुबह, जब मंत्र मेडिटेशन हम बोलते हैं देश में हो मंदिर में हो तो कितना संघर्ष है, कितना हम कितना बल है, कितने बड़े योद्धा है हमको मालूम है। तो सुबह सुबह तो जो वीर होते हैं वो 16 माला एक ही आसन में बैठ के करते हैं, तो वीर पुरुष का लक्षण, वीर वो भक्त में श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं जो बैठ जाते हैं। अरे एक आसन में बैठ जाना है, फिल्म देखते हैं तो उठते हैं, क्रिकेट का फाइनल मैच चल जाता है उठते हैं कभी, बाप रे प्रभु जी हमारा एग्जाम में करके बैठ के देखते हैं, क्रिकेट चल रहा है देश में है, क्रिकेट देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, पूरा एक टक देखते हैं, जैसे मतलब हीरो में पूरा घुस गए हैं। तो सचिन के बाद आपने हम भी बैट बॉल लेके पकड़े, तो भक्त भी ऐसा करना है, आए भक्ति करने के लिए जम के करना चाहिए, और नहीं पता है कैसे आनंद मिले तो सीखना चाहिए। जो भक्त बैठ के करते हैं उनको पूछिए, वो भी कभी ऐसा ऐसा करते थे,
वो आज कैसे ऐसे शांत से छाती दिखा के बैठते हैं, वो भी कुछ पापड़ बेले हैं तो वो आपको बता देंगे, वो आपको पापड़ बेलने नहीं पड़ेगा, वो आपको सीधा रहस्य बता देंगे। तो इस इक्वल टू एवरीवन, देन फिफ्थ और पांचवा है वदान्य, इज चैरिटेबल, हमेशा दान करना चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को तुरंत ही ऊंचा उठा देता है भक्ति में। जो अपने पास है, सपोज हमको प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद में बहुत सारे स्वीट्स मिले, ऐसा नहीं कि अकेला गए और तुरंत एक के बाद एक ले, नहीं, दान करना चाहिए, जितना है हम थोड़ा सा है लेकिन बांट के खाना चाहिए सबको जो भी है। हमें कुछ चीज पता है, हमें पता है कि कैसे बैठेंगे तो हमें जब के समय नींद नहीं आता है, कैसे भगवत गीता पढ़ेंगे तो श्लोक याद रह जाएगा, कैसे पढ़ेंगे तो रहस्य मालूम होगा, तो हमें दूसरों को शेयर करना चाहिए। भागवत में एक शब्द आया है ज्ञान फलु, जो लोग ज्ञान बांटते नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, हम जब अपने गुरु जी जी गुरुओं की करुणा से हम आज यहाँ पे बैठे हैं, वो हमें ये बताए सिखाए हैं कि श्री प्रभुपाद के मिशन में हमें जो चीज सीखे है उसको दूसरों को देना है, नहीं तो क्या होगा 50% जो ज्ञान है हमारा चला जाएगा, हम भूल जाएंगे। वो हमको ये बताते, इसलिए हम सबको प्रचार करना है। आप चाहे आपको मंगल आरती बोरिंग लग रहा हो देश में, या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन कीर्तन में तो कभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं, प्रसाद अच्छा लगता है कि नहीं, तो हमें अपने दोस्तों को मित्रों को यह बताना चाहिए कभी फिस्ट आज जन्माष्टमी मंदिर में एक बार आ जाओ, क्योंकि भागवत प्रमाण है भगवान को कोई एक बार प्रणाम करता है तो कभी भी वो मातृ दोबारा जन्म नहीं लेगा, कभी भी उसको दुख नहीं मिलेगा। तो हमें ये सौभाग्य दूसरों को देना चाहिए, है कि नहीं, तो हमें प्रचार जरूर करना चाहिए। तो छठा है मृदु, हिज वेरी माइंड, मृदु का मतलब वो भक्त जो है वो भौतिक सुख उसके मन में लालसा नहीं रहता कि मुझे भौतिक सुख मिलेगा, तो दूसरा देखता है, कोई देखता है कि उसके वो, हम जाते हैं मार्केट में, जाते हैं बाजार में, जाते हैं टीचिंग करने के लिए, देखते हैं कोई एक अच्छा लड़की को लेके घूम रहा है, उसका अच्छा बिहेवियर, भक्त ये नहीं सोचता कि मेरे भी मुझे भी एक ऐसा मिले, भक्त के मन में ये आशा लगी वो अपने स्थिति में तृप्त है, वो बड़े मौज में है, अरे वो जो बीवी को लेके घूम रहा है उसको 1,00,000 रुपए अभी खर्चा पड़ेगा, कला मंदिर में जाएगा, बिग बाजार में जाएगा, तुरंत पैसा जाएगा, लेकिन भक्त जो है भक्त को डोनेशन मिलता है, भक्त मौज में हमेशा खुश, डोनेशन मिले तब भी खुश, ना मिले तब भी खुश, कि भक्त भगवान के ऊपर भरोसा, कृष्ण बलराम को आके देखा प्रणाम करेगा, प्रभु जी गया था प्रभुपाद जी में गया था प्रचार के लिए, इतना आज एक ही बुक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत बड़ा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं बहुत बड़ा काम करके आए, हम प्रीचिंग करते कभी कभी निराश हो जाते हैं, बुक स्टोर लगाते थे स्टूडेंट लाइफ में तो निराश हो जाते, कभी कभी ग्रंथ जाता है तो कितना भी समझा, लोग जाएंगे बाजार से सब जो स्टेशनरी चीजें वो खरीदेंगे जिसका कोई महत्व ही नहीं, लेकिन किसी को बोलो भगवत गीता लो वो नहीं लेता है क्योंकि वो समझा ही नहीं, लेकिन भक्त चाहे वो ले या भक्त अपने स्थिति में तो इज वेरी माइंड। तो आठवां है ये सबसे हम लोगों के लिए ये जो गुण है, हम जितने यहाँ बैठे हैं कितने भक्त समझ भी लिए हैं, जो है शुचि, शुचि का मतलब है क्लीननेस। हम देश में रहते हैं तो देश के अंदर घुसने से पता चलता है कि हम कितने शुचि में है, हमारा रूम तो देखने लायक बनता है, हमारा बेडशीट, हमारा रूम तो जो भक्त है वो जाके बार बार कहते हैं क्लीन करना चाहिए, इंसान की तरह रहो, आप जानवर नहीं हो, तो ऐसा शब्द भी कभी कभी बोलना पड़ता है, लेकिन हमें खुद सतर्क रहना चाहिए, इंसान के जैसा रहना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए नियम बताते हैं, हमारे इस्कॉन में एक आचार्य है मिसल राधा गंगा दास स्वामी महाराज जी, तो विदेश में एक बार वो पार्क में बैठे थे तो एक वेस्टर्न व्यक्ति आया, उनसे पूछा महाराज जी आप कौन से संस्था के, महाराज जी बोले मैं इस्कॉन से, तो वो समझा नहीं, बोला महाराज जी बोले हरे कृष्ण हरे राम सुने हैं ना, अच्छा अच्छा वही संस्था के है जिस संस्था में लोग ज्यादा नहाते हैं, महाराज जी बोले हाँ वही संस्था के है जहाँ लोग ज्यादा नहाते हैं। मतलब आजकल हम क्या बताएं, बोलेंगे तो मुंह से निकलेगा तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन बात तो सत्य है, लोग आज समस्या ये है लोग नहाना नहीं जानते हैं, कैसे ना शरीर कैसा शुद्ध है ये सिखाना पड़ता है भक्तों को, मतलब जो ट्रेनिंग होता है देश में ये ट्रेनिंग देना पड़ता है कि सूची हम सॉल्व कर ले, टॉयलेट में जाते हैं तो क्लीन होके आना पड़ता है, कैसा क्लीन है उसको पूरा डिटेल्स में जाना पड़ता है भाई, ऐसा क्योंकि हम आप मंदिर में सेवा करने अगर भगवान का सेवा है तो ऐसा सॉल्व करना है, और कुछ होगा तो क्या पूछना,
मतलब डीओ लगा के पूरा एकदम ऐसा आते हैं, बाल में थोड़ा पानी लगा देंगे तो ऐसा लगता है जैसे गंगा नहाया है। मतलब इतना स्थिति बिगड़ गया है, और डीओ से पता चलता है कि बहुत बड़े घर के हैं, उनका घर में कुछ शान है नहीं। जो लोग अच्छे से नहाते हैं तीन बार, मतलब तीन बार तो है, कम से कम दो बार, भक्तों को दो बार जरूर नहाना चाहिए। कि क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि हम नहाने से हमारा शरीर शुद्ध रहता है, हम सत्व गुण में रहते हैं। सत्व गुण में रहने से जो बात अटपटी लग रहा है, जो भक्ति में जो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो बात समझ में आएगी। अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अब पूरा फास्ट वर्जन में जाएंगे, क्योंकि मेरा समय खत्म होने वाला है दूसरा पार्ट में। क्लीन इसलिए सूची में रहना चाहिए, सबको नहाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों का तीन कुर्ता, मेरे इसको में तीन कुर्ता रहना चाहिए। एक कुर्ता वो पहनेगा, एक कुर्ता साफ होगा, और एक कुर्ता उसके पास रहेगा पहनने के लिए, और दो गमछा रहेगा। वो अच्छे से घिस के अगर नहाएंगे तो शरीर से दुर्गंध नहीं आएगा, पानी पिएंगे। भक्तों का जीवन ये ट्रेनिंग है, शायद देश में आप लोग का देते होंगे भक्तों, कैसा रहना चाहिए, कैसा नहाएंगे, कैसा हमारा जीवन रहना चाहिए, ताकि हमें जब के समय नींद ना आए और हम स्वस्थ रहे, हमारे शरीर से दुर्गंध ना आए। हमें जो भक्ति करता है ना, उसके शरीर से खुशबू निकलता है। अब देखेंगे कोई पुजारी होगा, कभी प्रणाम करके देखिए, उनके शरीर से खुशबू निकलता है, क्योंकि वो भगवान के पास से आते हैं। और जो नहीं, जिसको डीओ का सुगंध अच्छा है, वो कस्तूरी अगुर और कर्पूर का सुगंध उसको अच्छा नहीं लगे। तो इस क्लीन और ओके, दो तीन मिनट में ही खत्म हो रहा है। तो उसके बाद है भक्त, बहुत सिंपल होता है। बहुत सरल है उसका जीवन, वो भौतिक कौन भौतिक सुविधाओं के लिए उसके मन में लालसा नहीं रहता है। वो हर चीज को, किसी भी वस्तु को देखता है तो वो भगवान का ही समझता है। कोई अच्छा बिल्डिंग हो, कोई अच्छा फिल्म हॉल हो, किसी को भी देखते हैं। प्रभुपाद जी कभी कभी जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो चर्च को देखते थे, वन पड़ा है तो उसे भक्तों को बोलते हैं कि ये हम खरीद लेंगे और इसको मंदिर बनाएंगे। और विदेश में कितने चर्च प्रभुपाद जी ने खरीदा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेकिन कहने के लिए समय नहीं है। तो भक्त जो है बहुत बहुत सरल रहता है उसका जीवन। दूसरा जगह इज वेरी इनोलुहेंट, क्योंकि भक्त जो है ये कृष्ण चेतना सबको देना चाहता है। वो बहुत शांत रहता है, इज वेरी पीसफुल, और भक्त भगवान के प्रति बहुत आसक्त रहता है, कंप्लीटली अटैच्ड टू कृष्ण भगवान के प्रति। धीरे धीरे हमें गर्लफ्रेंड अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण के बारे में अच्छे से सुना नहीं है, कृष्ण को अच्छे से जानते नहीं है, कृष्ण को अच्छे से समझे नहीं। लेकिन जब समझ जाएंगे, जब पकड़ में आएंगे, तो इतना मजबूत पकड़ है, क्या बोलते हैं फेविकॉल में, इतना मजबूत जोड़ है। उसके बाद क्या क्या आता है, क्या है एक हमारे समय का, इतना मजबूत छोड़े ना छूटे, ऐसा कुछ था वो। बहुत हमें जब हम मैनेजमेंट करते तो ये सब याद रखना पड़ता था, इसको तो थोड़ा थोड़ा याद है। तो जब भक्ति में पढ़ते, भागवत पढ़ते थे तो ये सब 11-12 साल पहले तो ये सब याद आता था, हाँ ये चीज पढ़ा है। तो कंप्लीटली अटैच टू कृष्ण। और भक्त जो है कोई भी भौतिक चीज के लिए लालायित नहीं है। भक्त देखता है लेटेस्ट मोबाइल, भक्त ये नहीं सोचता कि मुझे भी एक मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भक्ति करने से वो तृप्त रहता है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में है। ये बात थोड़ा समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इज वेरी मीक, नो अटैचमेंट फॉर, ही हैज नो अटैचमेंट। वेरी भक्त का जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप देखेंगे प्रभुपाद जी जब विदेश से लौटे तो करोड़ सब रुपीस, कितने बड़े मतलब धन के मालिक थे। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी विदेश से जब लौटे, वृंदावन में प्रभुपाद जी का एक फोटो है, प्रभुपाद जी टूटे हुए सीता से तिलकता है। कोई अमीर आदमी ऐसा कर सकता है? उस फोटो में देखेंगे प्रभुपाद जी का जो योगपट है वो फटा हुआ है। हम आप जब प्रीचर बन जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारा धोती बहुत ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि जो देखेगा हाँ प्रभु जी को शान से बड़े भक्त। लेकिन विश्व का इतना बड़ा प्रचारक भक्त ऐसा भक्त है, वो किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में लालसा ना हो, नहीं तो वो भक्त क्या बना।
तो दूसरे है उसके बाद है वो ही स्टेडी, वो जैसे हम बोलते हैं एक जगह पे मतलब तो फिक्स है, भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, वैष्णव का संग करना है, कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है, इसी से भगवान मिलते हैं ये सुना है और इस बात पे पूरा भरोसे के साथ वो अपना जीवन निर्वाह करता है। देन ही सेल्फ कंट्रोल, धीरे धीरे इंद्र आज हमारे विकार आ रहा है, आज मन कुछ खाने को कह रहा है, आज मन दूसरे चीज को देखने को कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये मन जो दूसरे चीज को खाने का दूसरे चीज को देखने का कह रहा था आज भगवान को देखने का मन कर रहा है। तो सत्रवा है इज डज नॉट ईट मोर देन रिक्वायर्ड, लेकिन प्रभुपाद जी का जो आप लोगों के लिए थोड़ा दूसरा है आपको बहुत ज्यादा प्रसाद खाना है, बहुत ज्यादा आकंठ भोजन करी मुख्य बोलो हरी हरी, तो आपके लिए अभी सिचुएशन आपका ये है कि इस चीज हमारे लिए है। Does not eat more than required. Then he said, then मतलब he is does not attach to anything else. He is वो जो भी उसके पास है कोई मांगता है, प्रभु जी आपका ये मोबाइल बहुत अच्छा है, प्रभु जी आप ये ग्रंथ मुझे चाहिए, ले जाइए पढ़िए, बहुत बदान्य होता है, कोई भी चीज उसको मिलता है तो वो देने के लिए प्रस्तुत, ऐसा नहीं कि आया है वो लेने के लिए कुछ पूछेगा, जो भी उसके पास है वो दे देता है। तो मुझे इस बात पर क्या आया हमारे इस्कॉन में, ठीक है मेरे पास और समय है इसलिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ, नवयोगियंत स्वामी महाराज जी हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बार तीन घड़ी दिखाया, तो जो नवयोगियंत तेरे को क्या चाहिए, प्रभुपाद जी दैट वन इज वेरी नाइस, बीच वाला जो घड़ी था वो इंग्लैंड से था, प्रभुपाद जी को कोई गिफ्ट किया, नवयोगियंत तुमको अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके हाथों पर बहुत अच्छा लगता है, हमें ये नहीं चाहिए, मैं यह कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी तुरंत उठाए और उनके हाथों में दे दिए। तो भक्त जो है वो कभी लालच में अच्छा चीज है मतलब ये मेरे पास रहना चाहिए, जो अच्छा चीज है वो दूसरे के देने के लिए, हमें भक्तों ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रसाद दिया है, बहुत गिफ्ट दिए, हमें भी देना चाहिए ताकि दूसरा कोई भक्त बने उसको भी जीवन में यह सुख मिले, वो भी कभी कृष्ण को समझे, इसे देना चाहिए। इज रेस्पेक्टफुल, भक्त दूसरों को सम्मान देता है, ऐसा नहीं है कि कोई हमें प्रणाम ना किया तो दूसरे दिन से थोड़ा टेढ़ी आंख से देखना चाहिए, ठीक है दूसरा भाव है, स्थिति थोड़ा अलग है, प्रणाम ना किया, हम कौन से बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमको प्रणाम, बाहर खड़े होते तो कोई एक व्यक्ति हरे कृष्ण को तो छोड़िए पूछेगा भी नहीं, कितने हमारे जैसे घूम रहे हैं, लेकिन भक्त बने तो इसलिए लोग हरे कृष्ण बोले, तो हमें भी कृतज्ञता के सहित उनको हरे कृष्ण कहना चाहिए। बीसवा है इज वेरी हम्बल, बहुत विनम्र है। इक्कीसवा है इज ग्रेव, इतना तो चीप नहीं है, इज वेरी कॉम्पैशनेट, बहुत दया करता है। उसके बाद 22वां है 23 इज वेरी फ्रेंडली, भक्त बहुत बंधुभाव से पेश आते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो भक्त बने वो हमारे जैसे हैं, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, जो ऐसे थोड़ा है हमारे जैसे है, हमारे जैसे पढ़ रहे थे और अभी बहुत बड़ा प्रीचर बन गए, हम भी कभी उनके जैसा बन जाएंगे, आप हमारे जैसा क्यों बनेंगे, आप हमसे बड़े बनिए, प्रभुपाद जी को आपके जैसा बहुत बड़े बड़े प्रीचर चाहिए, इसीलिए थोड़ा विनम्रता होना चाहिए। आजकल जो हम है हमारा ईगो यहाँ तक है, मतलब हम है हमारे जैसा कोई नहीं है, सबको हमें तो सब हमको पूछे बाबा आप कैसे हैं, प्रभु जी हाउ आर यू, बट दिस इज नॉट डिवोशनल लाइफ, यू आर इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट, दोज हु गिव रेस्पेक्ट दे गेट रेस्पेक्ट। प्रभुपाद जी ने सबको सम्मान दिया, देखे ना प्रभुपाद जी विदेशी लोग खाने के बाद उनके झूठे पत्थर लुटाए, उन्हें उनका झूठा बर्तन माजे, उसी के लिए आज वंदे गुरुश्री चरणारविंद, इतना बड़ा भगवान का शुद्ध भक्त झूठा बर्तन माजा, और हम आज क्या भक्त बन गए, हम सोचते हैं कि ये सब सेवा हमारे लायक नहीं, हमारे लायक सेवा बताइए, तो हमें विनम्रता विनम्र होना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए। तो 24वां है इस पोएटिक, देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने कितने भजन लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, लोचनदास ठाकुर हमारे लिए लिखे हैं, और मैं ये हमेशा कह करता हूँ कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भजन इसीलिए लिखे हैं, वो भागवत जो वेदांत सूत्र है, महाभारत है, ये संस्कृत में लिखा गया है, इसको कोई साधारण व्यक्ति पढ़ के समझ नहीं पाएगा,
इसलिए हमारे आचार्य ने करुणा करके उसको सरल पद में लिखा भजन के, ताकि जो भजन गाएगा, इसलिए मैं कहा करता हूँ जब भी हम भजन गाते हैं उसको अर्थ का अर्थ को समझते हुए गाना चाहिए, तब पता चलता है। देखेंगे हम पहले क्या गाए, वही वैष्णव ठाकुर दयार सागर विदा से करुणा करी, उसके दूसरा तीसरा वाला पद क्या है, क्षय बेगर दमी क्षय दोष सदी क्षय गुण देहदास, हे वैष्णव ठाकुर आप हमको यह गुण दीजिए। देखिए जो जो गुण हम प्रार्थना किए हैं वही गुण हमको चाहिए, इसीलिए यह प्रार्थना हम किए पहले। तो वो कभी होता है 25th is very silent, वो ज्यादा बात नहीं करता, गंभीर रहता है। 26 है, 26वां गुण है इज वेरी एक्सपर्ट, वो दक्ष भगवान के जो श्रील प्रभुपाद जी को जीवन में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया, 24 घंटा का अगर आप हिसाब लगाएंगे, कल महाराज जी आपको हिसाब दे रहे थे ब्रह्मांड भ्रमित कौर भाग्यवान जीव का, आपको हिसाब दे रहे थे, आप कैलकुलेट कर रहे थे 10 to the power 9, 10 to the power 8, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी का 24 घंटा का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको समय कम मिलेगा। प्रभुपाद जी 64 माला जप करते थे, मंदिर का मैनेजमेंट है, डीटी वर्शिप है, प्रीचिंग है, जर्नलिस्ट के साथ बात करते थे, ग्रंथ का लिखन है, कितना चीज आप देखेंगे, कौन से पार्ट में फूड फॉर लाइफ है, साइंटिफिक प्रीचिंग है, कौन से चीज में प्रभुपाद जी ने नहीं बोला। तो भक्त जो है वो बहुत दक्ष होता है, तो ये 26 गुण है। लेकिन भक्त जो है श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में यह श्लोक आया है, जो साधु बनता है उसके क्या क्या प्रमुख गुण होना चाहिए, किसको हम साधु कहेंगे। लेकिन ये मतलब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए साधु के ऊपर, क्योंकि मैं कहा करता हूँ वैष्णव जो है वो 1000 watt के वोल्ट है, लगेगा तो मतलब शरीर भी नहीं रहेगा, हम पाउडर बन जाएंगे। तो ये अपने को देखने के लिए कौन साधु है, तितिक्ष वह का अरुणिका सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रु वह शांत साधव साधु भूषण 325-21 तितिक्ष वह कारुणिक सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रु वह शांत साधव साधु भूषण। भगवान के भक्तों में ये 6 प्रमुख गुण होना चाहिए। तो बहुत सारे चीज है लेकिन वाणी को यहाँ विराम देता, मतलब पहला सत्र यहाँ खत्म हुआ। भगवान के भक्तों में यह गुण होना चाहिए। मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 5 minutes more the group. Now my watch is 10:40. 5 minutes more. Oh, this is question answer session. So आपको question पूछने का जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपका जो question है वो अभी बोल रहा हूँ। तो पहला प्रश्न, दूसरा पार्ट क्या था कि हम कैसे यह गुण हासिल करें। मतलब कोई बोलेगा प्रभु हमारा बहुत sexual desires है, I am very, these things are very practical. क्यों आपको झूठ बोलें? आपके अंदर ये सब परेशानियां हैं, हम क्यों आपको मना करेंगे? प्रभु जिलस, हम दूसरों को देखते हैं, अरे वो हमसे पीछे आया, वो आगे बैठ गया है व्यास आसन पर, हम नहीं बैठ पा रहे हैं, हमारा आज तक जय राधा माधव भी नहीं हो रहा है, तो कैसे नीचे खसाए उसको, पर जिलस। तो हमारे गुण हमारे अंदर कैसे ये सब गुण आएंगे, हम कब शांत बनेंगे, कब रसगुल्ला देख के मन कहेगा नहीं ठीक है, कब चाउमीन देख के मन करेगा नहीं ये खाना ठीक नहीं, हम भक्त बने, हमारा भी स्थिति ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो पहले बताते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं उद्धव जी को बताएं कई प्रसंगों में यह फल निकाले। तो पहला बताते हैं प्रभुपाद जी, ये बात बहुत गंभीरता से बताते हैं कि ये जितने सारे गुण हैं इसको पाने के लिए हमें कोशिश करना नहीं चाहिए, ये भक्तों का गुण अपने आप आता है। कैसे? जैसे ही हम भक्ति में लग जाते हैं, जैसे हम इस्कॉन में आते हैं तो हम हरे कृष्ण चाहे मन लगन हरे कृष्ण गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं हरे कृष्ण ऋतिक रोशन का मन है हरे कृष्ण कल मैच है कुछ भी हो लेकिन हरे कृष्ण तो चल रहा है कि नहीं। जो मन आज गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा है जो मन सचिन की तरफ जा रहा है वो मन एक ना एक दिन कृष्ण बलराम की तरफ भी जाएगा। तो आपको लगे रहना है, बस लगे रहना है, मन कहीं अरे कोई मन तो बेईमान है वो कहां भी जाना है उसको जाने दीजिए, लेकिन जिह्वा तो वश में है ना, जिह्वा च वशवर्ती नः भागवत में बोलते हैं। मैं ये मत सोचिए कि मैं आपको हंसाने के लिए क्या एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ कह रहा हूं, जो भी एक एक शब्द बोल रहा हूँ भागवत का एक एक श्लोक है,
लेकिन समय कम है इसलिए मैं श्लोक नहीं बोल पा रहा हूँ। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो मन जहां जन भक्ति में जुड़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्तों में भक्तों का संग में रहना चाहिए। देखिए सपोज आपको फिल्म देखने का मन कर रहा है, भक्तों के संग में है, तो जैसे ही मोबाइल पे प्रभु जी क्या देख रहे हैं, अकेले रहेंगे तो कोई पूछेगा, मंगला नहीं उठ रहे तो भक्तों के संग में प्रभु जी अरे मंगला नहीं उठ रहे, उठो उठो मंगला उठो, बहुत बधान्य होता है, खुद उठ रहे दूसरे को उठ रहे, आपको भी उठना चाहिए, मंगला जाना चाहिए। बाकी सब प्रसाद में बोले या ना बोले कि मंगला उठाने में भक्त बड़े माहिर होते हैं, लेकिन बाकी सब में भी हो जाएगा। तो पहला फल जो है भक्तों को भक्ति के अंग जब शुरू होता है तो धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम भव महाता वाभि निर्वापण। आज शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है, दूसरा कोई सफल हो रहा है, दूसरों को अच्छा हो रहा है, हृदय जल रहा है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का यह नाम एक ना एक दिन हमको शुद्ध कर देगा। लेकिन दूसरा जो है इससे बहुत सारे पॉइंट्स है, समय नहीं है, जो मेन चीज है मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप सौभाग्यवश प्राप्त कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा सेक्सुअल डिजायर्स, जो काम है जो हमको बहुत परेशान कर रहा है, श्रीमद् भागवत में इसका हल दिया गया है कि कैसे बहुत जल्द इस विकार से कोई मुक्त हो जाता है। कोई आप पूछे प्रभु हमारा हो रहा है, मतलब आपका भी हो रहा है, हम सोचते हैं ना अरे मेरे को भी ऐसा हो रहा है, मेरे को रात में ऐसा ख्याल आ रहा है, मन में ये आ रहा है, तो सबका आ रहा होता है, नहीं नहीं सब आपके जैसा नहीं है, सब पेशेंट नहीं, डॉक्टर भी है यहाँ, वो जानता है कैसे अच्छे किस पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए उसको पता है। इसीलिए भागवतम में हमारे आचार्य चरणों ने भगवान के भक्तों ने यह हल लिखा है कि अगर कोई भक्त हमें मिलते भगवान के शुद्ध भक्त जैसे हम, हमें यह सौभाग्य मिला है, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी, गोपीनाथ महाराज जी, हरिहर स्वामी महाराज, जो आचार्य चरण या श्रील प्रभुपाद जी के जिन महान शिष्यों ने हमें अपना संग दिया दे रहे हैं, जब भी मौका मिले उनका कुछ ना कुछ सेवा करने का कोशिश मिल रहा है। और भागवत में ये लगता है कि उनका संग मात्र से, संग क्या कहेंगे, उनको देखने मात्र से विकार कम होना शुरू होता है। इसलिए जब भी मौका मिले इन भक्तों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, वैष्णवों को भक्तों को देख, हम गर्लफ्रेंड को देखते हैं, कोई अच्छा लड़की है कॉलेज में नहीं आए हैं कैसे घूर घूर को देख, घूर घूर के आप कैसे देखते हैं, वही चीज सब सेम है, बस थोड़ा बदलना चाहिए। हम लड़की को देखते थे कॉलेज में, यहाँ के साधुओं को देखना चाहिए, क्या देखेंगे, कितने स्वभाव उनका अच्छा है, कितना विनम्र व्यवहार है, कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे मौत से जप करते हैं, कैसा उनका जीवन है, यह जब देखेंगे तो धीरे धीरे हमारा विकार कम हो जाएगा, एक ना एक दिन हम इस भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे, इस सुख को लूटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद तथा इस पवित्र परंपरा के सभी आचार्य चरण हमारे ऊपर कृपा करें, हम भी एक न एक दिन इस लायक बने कि भगवान का कुछ न कुछ सेवा हमारे द्वारा हो, गुरु वैष्णव के चरणों में हमारा रति हो, और प्रभुपाद जी कृपा करें जीवन शेष पर्यंत उनकी सेवा में हम लगे रहें। इस आसन से उठने से पहले मैं बहुत, जब मैं ये गौरांग सभा के बारे में मतलब मुझे आया मैसेज आया तो इतना जितना मैं खुश था, जब आप ये देखा पोस्टर्स देखे आप सबको देखा तो हृदय गदगद हो गया। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तुकाराम प्रभु और जितने भी पूरे टीम है, बहुत सारे भक्त जुटे हैं, कोई बुरा मत सोचे, मुझे सबका नाम मालूम नहीं है, लेकिन आप सभी प्रभुपाद जी की कृपा के पात्र हैं। बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और गौमिताई के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि आप के प्रति प्रभुपाद जी की कृपा हो और जिन आचार्य चरणों के आश्रय में है उनका स्नेह उनका कृपा आपको मिले। और जो लोग हम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, आप सभी श्रेय पथ को, श्रेय जीवन में आपको श्रेय मिले, भगवान जो सफलता पढ़ाई में अच्छा करे, जो करना चाहे आपको मिले, साथ ही साथ ये भक्ति का सुख आपको मिले, यही महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना है। दो मिनट में अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कहे बिना ये कथा अधूरी है। आप जो मंदिर में बैठे हैं, यह मंदिर श्रील प्रभुपाद ने कहा दिस टेम्पल, यह बात श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रिय शिष्य श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी को बोले हैं, दिस टेम्पल विल बी द यूनिक टेम्पल इन ऑल अवर वर्ल्ड इसका। यह एक बहुत बिरला मंदिर है। आपको पता है क्यों यह शब्द महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि श्रील गौर गोविंद महाराज, यह जगह जो पिक्चर भी आप नेट में जाके देखेंगे, ये बड़ा जंगल था,
महाराज श्री भगवान के अमृतम शुद्ध भक्तों में से एक है। जो भगवान यहाँ जो ऑल्टर आप देख रहे हैं, गौर निताय है, कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ है, गोपीनाथ जी है, प्रत्येक ऑल्टर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो महाराज जी के साथ डायरेक्ट उनका रिलेशन है। एक ग्रंथ है शुद्ध कृष्ण आलिंगित विग्रह, एक ग्रंथ है आप बुक स्टोर में देख सकते हैं। और दूसरा भी एक भक्त है शुद्ध भक्ति करके एक महाराज श्री के जीवन में, जो हमारे मंदिर के जितने सारे महाराज श्री के गौर निताय के साथ जो पास्ट टाइम से, कृष्ण बलराम के साथ जो पास्ट टाइम से, वो चरित्र सब लिखा गया है। और यह मंदिर श्री महाराज श्री ने एक एक रुपए जोड़ के, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उनकी कृपा है। और इस मंदिर में सैकड़ों भक्त दिए हैं इस कौन संस्था में। और महाराज श्री का जो त्याग पूर्ण जीवन है वो सुनने लायक है। आप ये चरित्र को जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, ये जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। गोपाल जी करके एक छोटी सी पुस्तिका है जिसमें महाराज जी का जीवन है, तो आप जो ये किताब जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी मंदिर में हम बैठे हैं और इसी मंदिर में भगवान ने एक शुद्ध भक्त के साथ विविध लीलाएं किया। एक छोटी सी बात एक मिनट में समझ में बोलता हूँ। जो गौर निताय है छोटे से, वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के जो वर्ल्ड पद यात्रा है उनके ठाकुर जी हैं। तो एक बार क्या हुआ, वर्ल्ड पदयात्रा उड़ीसा में आया था, कटक में एक बैल का मृत्यु हो गया, तो महाराज श्री ने गौर गौर महाराज जी को लाके ये छोटी डिटेल्स दिए कि महाराज जी आप थोड़ा सेवा किए, जब दूसरा बैल आ जाएगा तो गौर निताय जाएंगे पदयात्रा में। तो महाराज श्री उस समय हालत बहुत खराब था, हम अगर बोलेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। उस समय महाराज श्री एक बार भोजन करते वो भी खिचड़ी, और जो प्रीचिंग कथा करते थे तो नींबू का पानी, जो आप जूस ब्रेक होता है ना आपका, वो जूस ब्रेक नींबू का पानी गौर निताय को भोग लगा के वो देते थे। भक्त लोग नींबू पानी पी के 3 घंटा कथा सुनते यहाँ। तो यह था शेड्यूल। रोज सुबह यहाँ से लिंगराज मंदिर चल के जाते थे भिक्षा लाने के लिए। उड़ीसा में कोई भिक्षा नहीं देता, उड़ीसा एक बहुत गरीब जगह है। महाराज से एक एक रुपए जोड़ के ये मंदिर किए हैं, गौर निताय के लिए खिचड़ी बनाते थे अपने हाथों से। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी आए, बोले महाराज जी गौर निताय आप निकालिए बाहर जाएंगे पदयात्रा में, तो महाराज जी तो दुखी हो गए, अपने हाथों से सेवा किए। तो महाराज जी जब बोले गए, गौर निताय को भोग लगाया, खिचड़ी लगाया और बोले गौर निताय आप चलिए, महाराज जी आए हैं आपको लेके। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं वी डोंट नॉट वांट टू गो, वी हैव टू स्टे हियर, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो महाराज श्री बोले आपके महाराज लोकनाथ महाराज जी को बोले महाराज श्री गोमताई नहीं मतलब वो नहीं जा रहे, वो जाएंगे नहीं, आप उनको बोलिए, क्योंकि महाराज श्री को भी पता है कि गौर गोविंद महाराज कैसे साधु हैं। तो महाराज जी बोले नो महाराज इज पदयात्रा ड्यूटी, सो हाउ यू विल स्टे हियर, ही मस्ट गो टू पदयात्रा टू प्रीच। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं महाप्रभु दोनों एक साथ बोले नो नो वी डोंट वांट टू गो, वी वांट टू स्टे हियर, हम यहाँ रहना चाहते हैं। आप कभी देखेंगे जब महाराज श्री परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और गौर निताय महाराज श्री के भक्ति से यहाँ हमेशा के लिए रुक गए, हमको दर्शन देते हैं, सेवा का सौभाग्य देते हैं, यह भाग्य हमको मिला एक शुद्ध भक्त के अनुगत्य में रह के भजन करने का। तो आप कभी देखेंगे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं तो गौर निताय के ऑर्डर के सामने कैसे खड़े होकर कैसे देखते हैं महाराज गौर निताय को। ऐसे ही प्रत्येक ऑर्डर में ठाकुर जी का भगवान महाराज जी का साथ लीला है। भगवान के अन्यतम शुद्ध भक्त से हैं, उनकी कृपा से हम लोग यहाँ भक्त बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं, और विश्वास है प्रभुपाद जी के चरण में, गुरु वैष्णव के चरण में एक ना एक दिन वो हमको बना देंगे और आप सभी ये सुख मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। कोई प्रश्न है, सुझाव है, मंतव्य है तो बोल सकते हैं कम समय में, क्योंकि आपका वर्तमान समय भी हो गया है, प्रसाद अपने जूस ले के साथ जो ब्रेक का भी समय हो गया। तो सो नेक्स्ट इज वेरी फॉर्चुनेट टू हियर फ्रॉम भक्ति प्राण गोविंदा स्वामी महाराज, कुछ है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में, हम तो यहाँ है। एनी क्वेश्चन सजेशन? ओके ओके यू आस्क मी ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। हरे कृष्ण श्री श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, पिता गौर प्रेमानंद जी जय।